दोस्तों अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हैं या फिर लॉन्ग क्रिएटर हैं, यानी कि यूट्यूब पर आपका कोई चैनल है जिस पर चाहे आप शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं चाहे आप लॉन्ग वीडियो डालते हैं, और आप वीडियो डालने का जो टाइम है आप इस ग्राफ से लेते हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि इस ग्राफ में आपको दिखाता है कि भैया YouTube आपको टाइम सजेस्ट कर रहा है, जब आपको दिखेगा कि गहरे कलर में है, जो भी अपना कलर में है जैसे वायलेट कलर में है, गहरे कलर में है, तो इसका मतलब है इस टाइम आपके ऑडियंस एक्टिव है, तो इस टाइम आप वीडियो अपलोड करिए, यूट्यूब खुद बताता है। अगर आप इस ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप बहुत गलत टाइम पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और उसी की वजह है कि आज तक आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ है, चाहे आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं चाहे लॉन्ग वीडियो बनाते हैं। अब भैया गलत टाइम अपलोड करने से क्यों ग्रो नहीं होता है, उसको मैं पहले आपको बता दूं, फिर मैं आपको सही टाइम बताऊंगा। सही टाइम जो आपको निकालना है वो आप खुद से निकालेंगे, क्योंकि हर एक चैनल का अलग अलग होता है, और सही टाइम निकालने के लिए आपको 3 काम करने होंगे, तभी आपका सही टाइम निकल कर आएगा। अब बात करें कि सही टाइम पर अपलोड करना क्यों जरूरी है, तो भैया सही टाइम पर इसलिए अपलोड करना जरूरी है क्योंकि जैसे आप वीडियो अपलोड करते हैं तो YouTube आपका वीडियो, आपके सब्सक्राइबर कम है तो चाहे 10 लोगों के पास भेजे, चाहे 20 लोगों के पास भेजे, चाहे 100 लोगों के पास भेजे, अब वो इंप्रेशन तो भेज देता है, लेकिन अगर वो ऑडियंस उस टाइम एक्टिव नहीं है तो वो वीडियो देखेंगे नहीं, और अगर वो नहीं देखेंगे तो स्टार्टिंग में उस पर कोई बूस्ट नहीं आएगा, यानी स्टार्टिंग पर व्यूज नहीं आएगा तो बूस्ट भी नहीं मिलेगा। अगर स्टार्टिंग में बूस्ट नहीं मिला, स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आया, तो आपका जो वीडियो है वहीं पर ठप पड़ जाएगा, व्यूज नहीं आएगा, आगे यूट्यूब नहीं भेजेगा। और वही अगर आपके ऑडियंस एक्टिव है, आपने सही टाइम पर डाला और लोग यूट्यूब खोलकर बैठे हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, और आपका वीडियो आ गया उनके सामने और वो जाकर देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग में व्यूअर्स मिलेंगे, आपको एक्टिव ऑडियंस मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे स्टार्टिंग में, तो आपके वीडियो को बूस्ट मिलता है जिससे और ज्यादा यूट्यूब भेजने लगता है, जिससे आपका वीडियो वायरल जाता है। तो शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों के लिए बेस्ट टाइम पर वीडियो अपलोड करना बहुत जरूरी है, तभी आपके चैनल की ग्रोथ होगी और आपका वीडियो वायरल होगा। तो आखिर बेस्ट टाइम कौन सा है, अगर ये ग्राफ फॉलो नहीं करना है जो मैंने आपको दिखाया, तो बेस्ट टाइम कौन सा है वो मैं आपको खुद बताऊंगा, आपको खुद अपने चैनल का निकालना है और 3 काम करना है, तभी आपका वो जो सही टाइम है जिस पर आपको वीडियो अपलोड करना है वो निकलेगा। तो आखिर क्या 3 काम करने हैं, चलिए सारा कुछ बता देता हूं। उसके पहले चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब बटन जो दिया गया उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही कंटेंट हमेशा लेकर आता रहता हूं जो आपके YouTube जर्नी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और इससे आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको वो 3 काम जो है जो आपको एक सही टाइम निकाल कर देगा वो मैं बता देता हूं, क्योंकि पर्सनली मैंने वही फॉलो किया जिस वजह से मैं शॉर्ट्स चैनल पर और अपने लॉन्ग चैनल पर कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ पाया। तो कौन से 3 काम है, चलिए सारा कुछ मैं आपको लाइव मोबाइल फोन में दिखा देता हूं। अब दोस्तों मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, YT स्टूडियो के अंदर आ चुका हूं, आपको अपने YT स्टूडियो के अंदर आ जाना है। ये मेरा ब्लॉग का चैनल है जो मैंने YT स्टूडियो ओपन किया है, तो भैया अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं ब्लॉग चैनल पर तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए अपना पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग लेकर आता हूं, जो मैं स्टूडियो बनवा रहा हूं, जो चीजें कर रहा हूं वो सब चीजें आप देख पाएंगे। तो द संजीव ब्लॉग्स चैनल का नाम है, इसको भी जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर आपको अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिलेंगे, एक यूट्यूबर की लाइफ जानने को मिलेगी, अगर इंटरेस्टेड है तो जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जिस भी चैनल का एक करेक्ट टाइम निकालना है, सही टाइम निकालना है वीडियो अपलोड करने का, उस चैनल का YT स्टूडियो ओपन कर लेना है जैसे मैंने ओपन किया है। इसके बाद आपको एनालिटिक्स वाले में जाना है, जो एनालिटिक्स दिख रहा है इस पर जाना है। यहां पर जाने के बाद आपको ऑडियंस सेक्शन दिखेगा, ऑडियंस वाले सेक्शन पर सिंपली चले जाना है। अब आपको YouTube यहां पर ये वाला ग्राफ दिखाता है, व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन YouTube, इसको जाकर आप फॉलो करते हैं कि भैया जहां पर मुझे गहरा कलर दिख रहा है यानी एकदम डार्क दिख रहा है वहां पर मैं उस टाइम वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि YouTube ने खुद बोला है यहां पर क्या कि भैया जहां पर हल्का कलर है वो फ्यू व्यूअर्स लिखा है, और जहां पर गाढ़ा कलर है जिसको गहरा कलर बोलते हैं वहां पर लिखा गया है मेनी व्यूअर्स, यानी इस टाइम ज्यादा व्यूअर्स हैं। तो अगर आप ये ग्राफ फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल सरासर गलत है, आपको 3 चीजें फॉलो करना है। 3 चीजें क्या फॉलो करना है, पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने यहां एनालिटिक्स में ऑडियंस सेक्शन के अंदर आने के बाद यहां पर जो आपको एज दिख रहा है इस पर आ जाना है। एज का मतलब है कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं या फिर जो आपको नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी जो आपके वीडियो को देखते हैं वो लोग की एज क्या है, यहां से पता चलता है। अब एज जानना इसलिए जरूरी है, आगे मैं आपको बताता हूं, पहले आपको यहां पर एज देखना है कि सबसे ज्यादा व्यूअर्स किस एज के हैं। जैसे मैं देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है लगभग 60% व्यूअर्स जो मेरे हैं वो 18 से 24 साल वाले हैं। मैक्सिमम एज जो मेरी है, मतलब जो मेरे ऑडियंस देखते हैं उनकी 18 से 24 साल है। आप भी देख रहे होंगे अगर यहां पर वीडियो द संजीव ब्लॉग्स जो मेरा ब्लॉग का चैनल है तो लगभग यही एज होगी। तो यानी मुझे दिख रहा है कि सबसे ज्यादा ऑडियंस जो वीडियो देखने वाले हैं इस चैनल के वो 18 से 24 साल वाले हैं। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया
वो जो होंगे वो ट्वेल्थ में होंगे या फिर ट्वेल्थ क्रॉस करके कॉलेज में आ चुके होंगे। तो पहला नंबर मुझे समझना है वो ऑडियंस कौन से हैं। तो ये समझना क्यों है, जैसे मान के चलिए एग्जाम चल रहा है, आपको पता है कि ट्वेल्थ का एग्जाम शुरू हुआ है, जो ग्रेजुएशन में है, जो कॉलेज में है, उनका एग्जाम चल रहा है। तो आपको एग्जाम के टाइम कभी भी वीडियो ना मॉर्निंग में पब्लिश करनी है, ना दोपहर में पब्लिश करनी है, आपको शाम में पब्लिश करना है। इसलिए ये आपको मैटर करता है कि आपको ऑडियंस समझ में आया कि किस टाइप के ऑडियंस है। ये एक नॉर्मल काम करता है, ज्यादा काम मैटर नहीं करता है, आगे के जो दो काम है वो मेन मैटर करते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस टाइप का ऑडियंस है। पता चल गया 18 से 24 साल है, यानी कि वो ट्वेल्थ पास होंगे या फिर कॉलेज में जा चुके होंगे। तो इससे मुझे ये आइडिया लगेगा कि मैं संडे के दिन, मेरे ऑडियंस खाली रहते होंगे, कोई त्यौहार है तो वो भी खाली रहते होंगे, और इस टाइम अगर एग्जाम चल रहा है कॉलेज में तो इस टाइम वो बिजी रहते होंगे। तो सबसे बेस्ट है मुझे शाम में ही अपलोड करना। एक दिमाग में ये आपके आ चुका होगा, कहां से आएगा, जब आप ऑडियंस देखेंगे तब। अगर आपके मतलब चैनल पर दिख रहा है कि 13 से 17 साल वाले ज्यादा ऑडियंस हैं, इसका मतलब है छोटे बच्चे आपके पास ज्यादा हैं, यानी कि वो 8th 9th 10th इसके अंदर वाले होंगे जो आपको आपके वीडियो को देखते होंगे। तो उस हिसाब से आपको समझना है, और उनकी छुट्टी कब होती है, कब एग्जाम चल रहा है, उस हिसाब से आपको माइंड में ये रखना है कि मेरे ऑडियंस इस टाइम मतलब कि इतने एज के हैं, तो उनको इस टाइम काम है, इस टाइम एग्जाम चल रहा है, तो मुझे मॉर्निंग में वीडियो नहीं डालना है, शाम में ही डालना है। ये एक छोटा सा काम है जो आपको अपने दिमाग में रखना है कि भैया हाँ मेरे ऑडियंस कितने एज के हैं, वो आपको समझ लेना है। अब ये समझने के बाद आगे क्या करना है, वो दो मेन काम है जो आपको करना है। अब दूसरा काम आपको नीचे एकदम चले जाना है, यहां पर एकदम नीचे चले जाना है। आपको क्या करना है, यहां पर मैं चला जाऊंगा एनालिटिक्स के अंदर, मैं यहां रिसर्च वाले पर जाता हूं और एक ओवरव्यू दिखता है, ओवरव्यू पर चला जाता हूं, एनालिटिक्स के अंदर ओवरव्यू पर चला जाता हूं। यहां पर जाने के बाद मुझे दिख रहा है रियल टाइम व्यूज, जो कि यहां पर दिख रहा है 48 घंटे में 200 व्यूज, जो कि मैं आपको बता दूं इस पर मैं वीडियो बहुत कम डालता हूं, लेकिन अब धीरे धीरे डालना स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए तो मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालूंगा। तो यहां पर 48 घंटे में मुझे 200 व्यूज दिख रहे हैं। तो आपके चैनल पर भी ऐसे रियल टाइम व्यूज पर जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि भैया 48 घंटे में कितने व्यूज आपके आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। आपको क्या करना है, एक दिन पूरा मॉर्निंग 6 बजे आपको उठना है, 6 बजे 7 बजे जो भी उठते हैं उठना है आपको, उस दिन पूरे दिन आपको वीडियो नहीं डालना है अपने चैनल पर, उस दिन आपको वीडियो डालना ही नहीं है अपने चैनल पर। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको एक सही टाइम निकालना है, और सही टाइम निकालने के लिए वीडियो आपको डालना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डालना है, एक दिन नहीं डालना है। अब क्या करना है, आप मॉर्निंग में 6 बजे उठ गए तो 6 बजे उठने के बाद आप लास्ट 60 मिनट पर जाइएगा, मान चलिए 7 बजे उठे, 7 बजे आप लास्ट 60 मिनट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा 7 से 6 के बीच में कितना व्यूज मेरे चैनल पर आया, उसको नोट कर लीजिए। फिर 8 बज रहा है तो 8 बजे उठने 8 जब बज जाएगा तो फिर आपको लास्ट यहां पर 60 मिनट पर जाकर देखना है कितने व्यूज आए, उसको नोट कर लीजिए। फिर 9 बजे लास्ट 60 मिनट पर जाकर व्यू नोट कर लीजिए। ऐसे ऐसे करके आपको रात 10 बजे तक के जितने व्यूज हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक एक एक घंटे में कितने व्यूज आ रहे हैं, यानी जब जैसे 6 बजे आप उठे तो 7 बजे करेक्ट आप देखिए कि लास्ट 60 मिनट में, यानी 6 से 7 के बीच में कितने व्यूज आए, उसको नोट करिए। फिर करेक्ट 8 पर आपको लास्ट 60 मिनट का व्यूज नोट करना है। फिर करेक्ट 9 बजे लास्ट 60 मिनट का व्यूज नोट करना है। फिर करेक्ट 10 बजे लास्ट 60 मिनट पर यहां पर आकर व्यूज नोट करना है। फिर यहां पर करेक्ट 11 बजे लास्ट 60 मिनट का व्यूज करना है। ऐसे ऐसे करके आपको 11, 12, 1, 2, 3, 4 करके रात के 10 बजे तक आपको पूरा व्यूज नोट करना है। तो आपके पास एक डेटा लिखकर आ जाएगा 14-15 कॉलम में कि 14-15 घंटे का आपके पास एनालिटिक्स है। वहां पर आपको जहां लगे कि यार 4 बजे लेकर शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में सबसे ज्यादा व्यूज मुझे दिख रहा है, और जगह 100 व्यू दिख रहा है लेकिन यहां पर 150-200 व्यूज दिख रहा है, जिस टाइम आपको लगे कि लास्ट 60 मिनट में जो आपने लिखा है, जहां पर आपको दिखे कि लास्ट 60 मिनट में सबसे ज्यादा व्यूज इसी टाइम आ रहा है, वो टाइम आपको नोट कर लेना है। हो सकता है वो 2-3 टाइम हो कि आपको शाम 4 बजे भी दिख रहा है, रात में 8 बजे भी दिख रहा है, दोपहर में 2 बजे भी दिख रहा है, जो 2-3 टाइम आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा व्यूज वाला, उसको नोट कर लेना है। मेन काम ये करना है आपको। मिनिमम अगर आप लिखेंगे तो 6 बजे से लेकर 6 बजे 12 घंटे, उधर 10 बजे तक तो 16 घंटे, यानी 16 आपको कॉलम मिलेंगे। 16 कॉलम में 3-4 जो सबसे मैक्सिमम हो कि हाँ इस टाइम ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, उसको नोट कर लेना है। जैसे दोपहर के 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, जिस टाइम दिख रहा है उसको नोट कर लेना है। वो नोट करने के बाद आपको अब तीसरा काम करना है। क्या करना है मैं आपको बताता हूं। यहां एनालिटिक्स के अंदर ही जाना है। यहां पर जाने के बाद फिर से आपको ऑडियंस सेक्शन में चले जाना है। ऑडियंस सेक्शन में जाने के बाद यहां पर आपको दिख रहा होगा कि चैनल्स योर ऑडियंस वॉच, यानी आपके जो ऑडियंस है और भी चैनल्स को कौन कौन देखते हैं, इस पर आपको चले जाना है। आप देख सकते हैं ये सारे चैनल्स दिख रहे हैं, आपको सारे चैनल्स पर नहीं जाना है,
टॉप फाइव जो चैनल्स दिख रहे हैं, जो बड़े चैनल्स आपको दिख रहे हैं आपके, जब आप जाएंगे यहां एनालिटिक्स के अंदर चैनल्स के अंदर, तो आपके अंदर मतलब यहां YT स्टूडियो के अंदर जो टॉप फाइव बड़े चैनल दिख रहे हैं, बड़े चैनल, छोटे चैनल नहीं कि अब जिसके 10,000 सब्सक्राइबर है उनको नहीं देखना है, जो टॉप फाइव चैनल दिख रहे हैं, सिर्फ पांच अपना दिमाग में रखिए, टॉप फाइव जो चैनल दिख रहे हैं उनके चैनल पर जाकर आपको देखना है, जैसे मुझे ये टॉप फाइव चैनल दिख रहे हैं, इनके चैनल पर जाकर देखना है, जो आपके चैनल मतलब जो आपके YT स्टूडियो में दिखेंगे उनके टॉप फाइव चैनल पर जाकर देखना है कि वो कितने बजे वीडियो पब्लिश करते हैं। अब मान के चलिए कि आपके पास तीन टाइम आया है कि दोपहर 2 बजे आपके सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे थे, और शाम के 4 बजे सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे थे, और रात के 8 बजे सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे थे। तीन टाइम आपने नोट करके रख लिया चैनल के लिए। अब दूसरा जो मैंने लास्ट काम बताया, तीसरा काम, यहां पर आपको टॉप फाइव चैनल लेना है, उन चैनल्स पर वीडियो कब अपलोड होता है यह देखना है। अब मान के चलिए जैसे टॉप पर मेरा है, जैसे मैं इस चैनल का देख रहा हूं कि टिकटॉक भी संजीव है, तो मेरा 11 बजे मॉर्निंग में आता है वीडियो। अब दूसरे पर मनोज दे दिख रहे हैं, तो इनका मान के चलिए 12 बजे वीडियो आता है। तो आपको क्या करना है, टॉप फाइव चैनल का जिस टाइम वीडियो अपलोड होता है उस टाइम आपको नहीं अपलोड करना है, बल्कि उसके अलावा जो आपके पास टाइम बचता है उस टाइम अपलोड करना है। यानी मान के चलिए आपका मैक्सिमम व्यूज, आपने तीन जगह नोटिस किया कि सर मेरे 8 बजे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, दोपहर 2 बजे ज्यादा आ रहे हैं, 4 बजे मॉर्निंग में ज्यादा आ रहे हैं। आपने देखा कि 4 बजे भी ये टॉप फाइव चैनल्स में कोई अपलोड करता है, 2 बजे भी कोई टॉप फाइव चैनल्स में अपलोड करता है जो मेरे यहां पर दिख रहे हैं YT स्टूडियो के अंदर। लेकिन हां, मैं देख रहा हूं कि यहां रात 8 बजे कोई नहीं अपलोड करता है, यानी ये 4 बजे भी अपलोड करते हैं, 2 बजे भी करते हैं, लेकिन टॉप फाइव चैनल में ऐसा कोई चैनल्स नहीं है जो रात 8 बजे अपलोड करता है, लेकिन 8 बजे मेरे व्यूज अच्छे आते हैं, जो आपने डेटा निकाल कर रखा है। तो आपको क्या करना है, आपके चैनल का वही बेस्ट टाइम है, आपको वही 8 बजे अपलोड करना है, चाहे आप एक लॉन्ग क्रिएटर हैं, चाहे लॉन्ग वीडियो डालते हैं, चाहे शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं। अब इसके पीछे की वजह यह है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। पहला था कि ऑडियंस जानना कि किस टाइप के, किस एज का ऑडियंस है, वो मैंने आपको बताया कि क्यों जानना जरूरी है। दूसरा, जो मैंने व्यूज निकलवाया, क्यों निकलवाया, इससे यह पता चलेगा कि मेरा वीडियो जहां भी YouTube भेजता है, जिस भी ऑडियंस के पास, वो ऑडियंस ज्यादा व्यूज आने का मतलब है कि वो ऑडियंस उस टाइम ज्यादा एक्टिव है, इसलिए जो भी वीडियो मेरा YouTube भेज रहा है वो देख रहे हैं। और कम देखने का, कम व्यूज आने का मतलब है कि वो भेज तो ही रहा है लेकिन वो देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं है, YouTube उन्होंने ओपन ही नहीं किया है। तो इससे आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो मैंने डेटा निकलवाया आपका सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, वो किस लिए यूज होगा, इसलिए कि किस टाइम मेरे ऑडियंस सबसे ज्यादा मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि जो YouTube वीडियो भेज रहा है उनके होम पेज पर, वो किस टाइम एक्टिव है जो देख रहे हैं। और मेन आपको यहां पर उस टाइम अपलोड क्यों नहीं करना है, जो मैंने बताया टॉप फाइव चैनल्स का जो टाइम है अपलोडिंग का, उस टाइम नहीं करना है, बल्कि जो आपके पास टाइम और बचता है, जहां पर सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, उस टाइम करना है। क्यों करना है, क्योंकि इन ये बड़े क्रिएटर्स हैं, इनके व्यूज अच्छे खासे आते हैं, तो इनके अगर वीडियो इनके सेम टाइम पर आपने वीडियो अपलोड कर दिया, मान चलिए आपने देखा कि हाँ टॉप फाइव क्रिएटर्स में एक क्रिएटर का 2 बजे अपलोड होता है और मेरे पे भी 2 बजे सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, आपने 2 बजे अपलोड कर दिया, तो क्या होगा, जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनका वीडियो आया, आपका भी वीडियो गया। मान के चलिए मैं हूं एक कोई छोटा क्रिएटर जिसका मैं वीडियो देखता हूं, और एक बड़ा क्रिएटर है उसका भी मैं देखता हूं, अब 2 बजे दोनों का वीडियो आ गया, तो किसका मैं देखूंगा, बड़े क्रिएटर्स का देखूंगा ना, क्योंकि टाइम का इशू रहेगा तो बड़े क्रिएटर्स का देखकर मैं हट जाऊंगा। तो इसीलिए आपको ऐसे टाइम पर डालना है कि आपके व्यूज भी ज्यादा आ रहे हो और बड़े क्रिएटर्स उस टाइम वीडियो ना अपलोड कर रहे हैं। कौन से क्रिएटर, जो टॉप 5 क्रिएटर्स आपके यहां पर आए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये तीन काम करिए, एक दिन में ही आपके चैनल का बेस्ट टाइम निकल कर आ जाएगा, और उस टाइम वीडियो अपलोड करिए, खुद देखिए जमीन आसमान का फर्क आपको दिखेगा। जो व्यूज आपके कम आकर रुक जाते थे, चाहे लॉन्ग में चाहे शॉर्ट्स में, आपको बहुत ज्यादा व्यूज देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब व्यूज आ जाएंगे तो बूस्ट मिलता है, और बूस्ट मिलता है तो वीडियो भेजता चला जाता है यूट्यूब, जिससे वीडियो वायरल जाता है। और मैंने यही तरीके अपने लॉन्ग चैनल पर भी, मेरे जो शॉर्ट्स के चैनल है वहां पर भी लगाया, और अच्छी खासी वहां पर मैंने रिजल्ट पाया, तब मैं आपको ये चीजें शेयर कर रहा हूं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। साथ ही अभी तक इस चैनल पर आप लोग नए हैं और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो क्या करना है, नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया गया उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही हेल्पफुल और ढांसू कंटेंट डेली लेकर आता हूं। तो भैया डेली देखिए और यूट्यूब जर्नी में आगे बढ़िए। साथ ही अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।